अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक्चुअली क्यों नहीं हेल्दी रहते, हम रियल हेल्थ को क्यों एक्सपीरियंस नहीं करते। आपने देखा होगा कि हम आजकल हर दूसरे बंदे से पूछते हैं तो कम अज़ कम कुछ ना कहे, यंग हो या किसी भी एज का हो, तो ये ज़रूर कहेगा कि यार मेरा स्टमक जो है वो ठीक नहीं रहता। तो इसकी क्या वजह है? यंग एज में हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियां जो है ना वो वीक हो जाती हैं, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो ये वजह है कि जो फिटनेस है हम उसको लाइफस्टाइल नहीं लेते। हम सिर्फ समझते हैं अगर मैक्सिमम ही हम कुछ कर लेते हैं तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज को ही सारी फिटनेस समझते हैं। हम समझते हैं एक्सरसाइज कर ली है तो उसका मतलब है हम फिट हो जाएंगे। हो सकता है कि आप देखने में फिट लगने लग भी जाएं, लेकिन व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ, व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल हेल्थ, उसका क्या होगा? बिलीव मी, जो योगा वर्कआउट है आपका, जो है एक्सरसाइज है, दैट माइट बी द मैक्सिमम 20% ऑफ द ओवरऑल आपकी फिटनेस जो होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? आपका स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, राइट, फिर आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योरसेल्फ और टुवर्ड्स द अदर पीपल, आपकी स्ट्रेस कितनी होती है और किस तरह से आप उसको जो है वो कोप करते हैं। हम सिंपली जो है ना फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें जो है ना वो इसका आइडिया हो जाए व्हाट आई फील अबाउट फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ होती है कि आप ऑफिस जाते हैं या आप कोई भी काम जो है फिज़िकली जो इन्वॉल्व होता है आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं। ऑफिस गए, सारा दिन आपने काम किया और उसके बाद आप रात को आए, नींद आपने ली, सुबह फ्रेश उठे, इसका मतलब है आप फिज़िकली हेल्दी हैं, यानी कि आप अपने बेसिक काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ क्या है कि आपको अगर स्ट्रेस होती भी है तो बहुत ज़्यादा देर तक ना रहे, आप अनप्लेजेंट ना रहें, हर टाइम चिड़चिड़े ना रहें, मूड स्विंग ना रहें, अगर ये आपको होता है तो आपको फिर डेफिनेटली मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अगर फिज़िकल हेल्थ बेहतर नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा। अगर मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं है तो आपको ब्रीदिंग प्राणायाम्स करने पड़ेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा जी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ की। इसको योगा भी, हमारा रिलीजन भी इसको बहुत फोकस करता है। अगर छोटी छोटी हम इसको चीज़ें देखें कि अगर हम जो है ना हमें जेलसी है, हम बैक बाइटिंग, हम गीबत करते हैं, हम जो है ना हमारी ज़ुबान से हम जो है हमारा नेबर है या हमारे दोस्त अहबाब हैं वो सेफ़ नहीं है, हमारे हाथों से वो सेफ़ नहीं है, ठीक है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं हम हार्मफुल हो सकते हैं किसी के लिए, तो इसका मतलब है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बेहतर नहीं है। स्पिरिचुअल हेल्थ तभी बेहतर होगी जब हम जो है ना दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होंगे, ऑलराइट, ना कि हम दूसरों के लिए नुकसान का बायस बनेंगे। तो हमें एटलीस्ट ये तीन हेल्थ जो है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी जो है मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ डेफिनेटली आप अगर मुसलमान हैं तो हमारे जो बेसिक टीचिंग होती हैं उसको हमें ज़रूर करना चाहिए कि हम झूठ ना बोलें, छोटों से प्यार करें, बड़ों के साथ शफकत करें, स्माइल दे, स्माइल इज़ अ ब्यूटीफुल सुन्ना, ठीक है, आपको सवाब भी मिलता है, आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से आपका जो नेबर है वो जो है वो सेफ़ रहे, तो आपको मेंटल हेल्थ भी मिल जाएगी। जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, सूफ़ी होते हैं, उलमा होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वो लोग जिनकी अच्छी वाइब्स होती हैं, अच्छी रेज होती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो ऑटोमेटिकली जो है हमें स्पिरिचुअल हेल्थ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ अगर मिलेगी तो हम एक रियल हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है ख़ासतौर पे जैसे लाहौर में हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल एक एलिमेंट है कि वो चीज़ें जिससे हमें कोई टेंजिबल चीज़ मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पैसे दिए, हमें कपड़े मिल गए, हमने पैसे दिए, जूते मिल गए, हमने पैसे दिए, खाना मिल गया, हम उस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ये टेंजिबल चीज़ें, जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं जिसमें आपको सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, वो डॉक्टर की सर्विसेज हो सकती हैं, अच्छा, वो चीज़ें जो हमें मजबूरी के लिए या हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो हमने करना ही करना हो, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन जो एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, कोई और इस तरह की, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग है, कुछ आपने कोर्स पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि वो इनटेंजिबल है तो नॉर्मली हमें उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हालांकि हमें
इनटेंजिबल चीज़ों की भी उसी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो जो हमारी एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर कोई आपको योगा की प्रैक्टिसेस करवा रहा है, आपको कार्डियो करवा रहा है, आपको जुम्बा करवा रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो दैट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। तो हमें उसको भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। तो हमें कब तक हम जो है वो रियल हेल्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जब तक हम अच्छा ना खाएँ, अच्छा भी खाएँ और साफ़ सुथरा भी खाएँ। बाहर का अगर हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली आपको तो पता है ना, वो हाइजीन का ख्याल रखते हैं, खाना भी साफ़ सुथरा नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता, पता नहीं कितने दिन का जो है ना वो घी ऑयल होता है उसी में बनाए जाते हैं, तो वो भी नहीं होता। तो अच्छा भी हो और साफ़ सुथरा भी हो। तीसरी चीज़, टाइम पे खाएं। मॉर्निंग खाया है उसी टाइम, नेक्स्ट डे दोपहर का भी उसी टाइम, शाम का भी उस टाइम, शाम का थोड़ा सा हमें पहले खा लेना चाहिए, ताकि जब तक हमने सोना तो स्टमक हमारा रिलैक्स होगा तो हम अच्छा फील करेंगे। नाश्ता ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, हैवी होना चाहिए, आपको तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू आपको जो है ना वो आपको मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एक पराठा बनवा लेकर देसी घी बनवा सकते हैं, उसके साथ आप कुछ योगर्ट ले लें, आप कुछ 5-7 बादाम ले लें, एक आध बनानास ले लें, एक आध खजूर ले लें। तो दिस इज़ अ सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट दैट आई टेक। ठीक हो गया, दोपहर में आप थोड़ा सैलेड ले सकते हैं। और स्लीपिंग हैबिट के हवाले से मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया हुआ है कि आपकी क्या क्या फैक्टर हैं जिससे आपकी स्लीपिंग हैबिट जो है वो कंप्रोमाइज्ड होती है। और स्पिरिचुअल हेल्थ का मैंने आपको बता दिया है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारा इस्लाम हमें बताता है उसको हमें फोकस करना चाहिए। तो बताने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर हम लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज ही 100% फिटनेस है, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम कहते हैं कि हम जब दिल करें कि रात जागते रहें, सुबह सोएं, और जो दिल करें खाएं, बेकरी आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा शॉर्मास वही खाते रहें हम, फिर जंक फूड फास्ट फूड तमाम खाते रहें और ज़ोर लगाते रहें एक्सरसाइज पे, बिलीव मी वी कैन नेवर एक्सपीरियंस द रियल हेल्थ लाइक दैट। सही है, तो हमने क्या करना है, हम प्रॉमिस करते हैं अपने साथ कि हमने अपनी फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है, हमने अपनी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है, और हमने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है बाय ऑफरिंग प्रेयर, बाय हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, बाय हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, बाय सेविंग अदर्स। तो इंशाल्लाह जो हमें पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, आपको स्ट्रेस भी कम होगी, बिलीव मी स्ट्रेस भी नहीं होगी। तो फिटनेस जो है ना, योगा भी लाइफस्टाइल है, फिटनेस भी लाइफस्टाइल है, तो उसको एक लाइफस्टाइल की तरह लें, फिर आपको एक्चुअली जो है ना वो इसके फ़ायदे भी फील होंगे। बाकी रह गई वेट की बात, तो वेट बहुत ज़्यादा लोग जैसे मैं जिम में देखता हूँ, हर बंदा या तो वेट गेन कर रहा होता है, ख़वातीन वेट कम कर रही होती है, ज़्यादा कम हो जाएंगे फिर बढ़ाने लग जाएंगे। सिंपल तरीका है BMI, बॉडी मास और इंडेक्स कैलकुलेटर, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आपने अपनी वहाँ पे एज, जेंडर, वेट और हाइट, ये 4 चीज़ें मैंशन करनी है, आपको वो बता देगा, बल्कि ये भी बता देगा कि आपका BMI हेल्दी है या नहीं। 18 से ज़्यादा, 25 से कम है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं एज़ पर योर वेट मेडिकली। और देन आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसको अपना माइंड चेंज करें, ये मेरा लाइफस्टाइल है, ठीक है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही रखना चाह रहा हूँ, हेल्थ को एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम कुछ ना कुछ, यार क्या प्रॉब्लम है, यार लेग्स बहुत थिन हो गई हैं, अच्छा फिर क्या प्रॉब्लम है, जी मेरा वेट बहुत ही गिर गया है, अब क्या प्रॉब्लम है, यार वेट बहुत बढ़ गया, तो हम इसी भूल भुलैया में रहते हैं, ठीक है। वेट BMI चेक कर लें और उसके बाद अपनी वर्कआउट को, योगा प्रैक्टिसेस को अपना लाइफस्टाइल बनाएं, फिर देखें आप में कैसी तब्दीलियाँ आती हैं। तो आई एम श्योर कि जो मेरा एपिसोड है, मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये बनाऊं और आपको पसंद आया होगा, इस पर ज़रूर अमल करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।